हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले कोटेक म्यूचुअल फंड का एक ऐसे फंड के बारे में जो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कौन सा वो फंड है, कैसी कैसी इसकी चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखने वाली है और क्या इसका पूरा डिटेल है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब इस फंड का नाम देख लेते हैं, कोटेक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेम नाम आप कहीं भी सर्च करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका रिटर्न देख लेते हैं। जो इसने अभी तक ओवरऑल रिटर्न दिया है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 19% का, अब लास्ट के 5 सालों में 16.23% का दिया और लास्ट के 3 सालों में 48.23% का इसने रिटर्न दिया। लेकिन लास्ट के 1 ईयर में इसने जो रिटर्न है इसका वो निगेटिव में दिया है, -3.77 और लास्ट के 6 मंथ में -4.34% का। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। वैसे अभी आज के डेट में देखा जाए तो लगभग फंड जो है सबकी हालत खराब है और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में SIP बंद करवा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन ऐसे बंद करवाने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर फंड डाउन गया है तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट कर रहा है आपके लिए। अगर आप इस टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा नहीं कि वो फंड पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। ये मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है, लेकिन फ्यूचर में आपको यही फंड आपको ज्यादा रिटर्न देगा। जब पॉजिटिव में था उस टाइम अगर जो आपने इन्वेस्ट किया उससे बेटर रिटर्न अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में 5 साल 7 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP 500 रुपये से और लमसम भी 500 रुपये से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके होल्डिंग्स की बात करें तो कार्बोरियन टर्म यूनिवर्सल लिमिटेड इसकी जो टॉप होल्डिंग्स में आती है, रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, सीएंट लिमिटेड, सेंचुरी पॉलीबोर्ड लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, ये टॉप के 5 कंपनियां हैं जिसमें ये जो फंड है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 8,617 करोड़ का फंड साइज हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी फंड को देखने के लिए, समझने के लिए। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे 18% में, क्योंकि ये ऑलरेडी 19% का अभी तक रिटर्न देता आ रहा है, तो हम लोग 1% डाउन लेके चलेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रखेंगे, तो इस बेसिस पर अगर 5 सालों के लिए देखा जाए तो 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न के तौर पे 75,316 रुपये और टोटल वैल्यू 1,95,316 की होने वाली है। यही चीज 10 सालों के लिए देखा जाए तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट 2,000 के तौर पर और इस्टिमेट रिटर्न 4,32,515, टोटल वैल्यू 6,72,515 की होगी। यह चीज 15 सालों के लिए हो जाए तो 3,60,000 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा, 14,78,418 आपके रिटर्न के तौर पे मिलेंगे, टोटल वैल्यू आपके फंड की होगी 18,38,418 रुपए की। और 20 सालों के लिए देखा जाए तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट 42,06,974 रुपए का रिटर्न आपको मिल जाएगा मात्र 20 सालों में। और आपने जमा कितना किया, 4,80,000। अब आप देख सकते हैं कि 4 लाख आपको 42 लाख बना के दे रहा है सिर्फ 20 सालों में, ऐसा बहुत कम फंड में आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 46,86,974 रुपए, लेकिन हमें हमारा टारगेट तो 1 करोड़ का था, तो थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, 25 सालों में आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 6 लाख की होगी और ये 6 लाख 25 सालों में कितना आपको रिटर्न देगा, वो देगा 1,10,46,624, टोटल वैल्यू 1,16,46,624। तो ये तो थी कैलकुलेशन। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर ये 18% तक दिया तभी ये चीज आपको रिटर्न में मिलेगा, हो सकता है कि निगेटिव हो में थोड़ा सा हो जाए, 18 से ये 17 हो जाए, 16 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा लेकिन 70-80 लाख के आसपास भी आपको मिल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 18% है ये 19% हो जाए, 20 हो जाए या 21 हो जाए आगे डेट में, तो ये 1.5 करोड़ भी 2 करोड़ भी बन सकता है, तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। लेकिन हम लोग एक एवरेज लेके चले तो 18% ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये रिटर्न देगा, क्योंकि ओवरऑल अभी तक 19% का रिटर्न देता आ रहा है। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.59%, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। लास्ट के 3 साल 5 साल 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि इसके कैटेगरी यानी स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसमें जो इसका एवरेज रिटर्न था उससे बेटर दिया है। लेकिन निगेटिव की बात करें तो लास्ट के 1 ईयर में जो इसका स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है उससे 1.09% का
निगेटिव दिया है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट आपके लिए हो सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।